हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जोश पे। बच्चों, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब देखिए, हमने पिछली क्लास पढ़ा था आवेश के बारे में और किसी भी अनावेश वस्तु को हम किस प्रकार आवेश कर सकते हैं और आवेश के मात्रक, ये हमने डिस्कस कर दिया पिछले लेक्चर में। आज हम डिस्कस करेंगे देखिए आवेश के गुणधर्म। तो देखिए, आवेश के गुणधर्म और आवेश वितरण, ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे, सतत आवेश वितरण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। तो देखिए, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे आवेश का युज्यता का गुण, युज्यता का गुण, यानी आवेश का युज्यता पढ़ेंगे। अब देखिए ये क्या कहता है, ये हम समझेंगे। देखिए युज्यता में क्या कहता था, जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, एक वस्तु है, इसमें बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q1 मान लीजिए। तो अगर आपसे पूछे कि इस वस्तु का कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश कितना होगा, क्या कर दोगे आप इन सबका, क्या कर दो, बीजगणितीय योग कर दो, तो क्या हो जाएगा Q=Q1+Q2+Q3+Qn, ये होता है कुल आवेश और ये हमारा होता है युज्यता का गुण। तो ये क्या कहता है, देख लीजिए इसको, किसी वस्तु का कुल आवेश वस्तु में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का कुल आवेश वस्तु में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हो गया, वो Q=, क्या हो गया, Q1+Q2+Qn, ये होता है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए हम समझते हैं इसको, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे। कि एक वस्तु है, इसमें 3 कूलाम आवेश है, 5 कूलाम आवेश है, -2 कूलाम आवेश है और -1 कूलाम आवेश है। तो इस वस्तु का कुल आवेश क्या होगा, इसका बीजगणितीय योग कर दीजिए, और बीजगणितीय योग का मान कितना आएगा, Q=, कितना आ जाएगा, देखिए कितना हो जाएगा, 3 + 5 + -1 + -2। तो सॉल्व करेंगे, 3 + 5 = 8, कितने हो गए, 8 - 3 करोगे तो आ जाएगा 5 कूलाम, इतना आवेश होगा इस वस्तु पर। तो ये है आवेश का युज्यता का गुण। देखिए क्या कहता है, किसी वस्तु का कुल आवेश उस वस्तु पे उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल, कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान देना, हो जाएगा ऑटोमेटिक, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। ज्यादा बर्डन मत लीजिए दिमाग को, बर्डन लेने के लिए तो बाद में बहुत कुछ है, अभी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल पढ़ लीजिए। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है आवेश का संरक्षण करना, आवेश का संरक्षण, दूसरा सेकंड टॉपिक आवेश का संरक्षण। देखिए ये क्या कहता है, इससे पहले देख लेते हैं, पहला पॉइंट, आवेश को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट, आवेश
एक वस्तु से दूसरी पर आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अर्थात स्टूडेंट कहने का मतलब क्या कह रहा है, ये आवेश हमेशा नियत होता है, मतलब आवेश का मान कभी भी चेंज नहीं होता स्टूडेंट, आवेश हमेशा सेम रहता है। आवेश को ना ही तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, आवेश हमेशा कांस्टेंट रहता है। देखिए समझते हैं इसको, कांस्टेंट। देखिए हमने जैसे कि पहले पढ़ा था कि आवेश से मान लीजिए घर्षण करते हैं कोई भी दोस्तों के बीच में, जैसे मान लीजिए समझते हैं ए और बी है, इन दोनों में घर्षण करवाया तो इलेक्ट्रॉन ए से बी पर गया था, यानी आवेश ए से बी पर गया, लेकिन क्या आवेश उत्पन्न हुआ क्या? नहीं, जो था वही तो ट्रांसफर हुआ ना, ना ही तो उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है, जो कि ये रहा स्थानांतरित किया जा सकता है। देखिए ठीक है, तो ध्यान रखिए आवेश संरक्षण का नियम। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, रिएक्शन से समझते हैं। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन से क्या, जैसे मान लीजिए 92 यूरेनियम 235 है, जब इसका विघटन होगा टूटेगी ये, तो क्या होगा 90 थोरियम 231 प्लस एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, और ये जो अल्फा पार्टिकल होता है वो एक होता है हीलियम नाभिक के बराबर होता है, ये हीलियम नाभिक ठीक है। अब देखिए 90 में से दो बार निकले तो 92 में से दो गए तो 90, 234 में से फोर गए तो ये, इनको बोलते हैं परमाणु क्रमांक, ये होते हैं परमाणु क्रमांक, ये आपने पढ़ चुके हैं, ये है द्रव्यमान संख्याएं, इनको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या। तो देखिए यहां पर कितने आवेश हैं 92, क्योंकि परमाणु क्रमांक जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन, तो एक तरह से देख सकते हैं कितने 92 क्यूब, इधर देखिए 90 क्यूब इधर 2 क्यूब, तो 92 क्यूब इक्वल टू 92 क्यूब। तो देखिए इस प्रकार हम कह सकते हैं अभिक्रिया से पहले जितने आवेश थे बाद में भी उतने ही आवेश हैं, आवेश नष्ट नहीं हुए, ना ही तो हमने उत्पन्न किया ना ही इनको डिस्ट्रॉय किया, जितने थे उतने के उतने ही है, ये हमें अभिक्रिया से दे दिया। तो ये आपका आवेश संरक्षण का नियम ठीक है। थर्ड आवेश का क्वांटीकरण, जो कि आपके बोर्ड के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर से ठीक है, और इस पर हम थोड़े न्यूमेरिकल भी देखेंगे। देखिए तीसरा आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, आवेश का क्वांटीकरण देखिए, आवेश का क्वांटीकरण ये कहता है किसी वस्तु पर तो पर आवेश की मात्रा उस वस्तु में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, के बराबर होती है। यहां पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, आवेश का क्वांटीकरण, अरे रे क्या, देखिए किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। तो हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, देखिए कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए समझ लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए समझिए, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होती है, तो उसको देखिए कैसे समझ लेते हैं, इसको हम लिखेंगे इस तरह से,
ठीक है, ये पूर्ण मूलज और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, तो क्यू बराबर किसी वस्तु पर आवेश इस फॉर्मूले से निकाला जाता है, ये आवेश का क्वांटीकरण है। अब समझिए कि क्वांटीकरण का मतलब क्या है। देखिए जैसे हमने बोला कि जैसे समझिए एक बॉडी है ए और दूसरी वस्तु है बी, तो जब इन दोनों के बीच में हमने घर्षण करवाया था तो इलेक्ट्रॉन ए से बी पर गया था, तो यानी बी पर ऋणावेश बढ़ेगा जबकि ए पर धनावेश बढ़ेगा, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है उस पर धनावेश आता है, जिसके अंदर जाता है उस पर ऋणावेश आता है। तो स्टूडेंट है जो ये ए है इस पर तो अगर मैं आवेश निकालता, मान लीजिए यहां पर इलेक्ट्रॉन गया, अब मैं बोल दूं यहां पर कि यहां पर 10^12 इलेक्ट्रॉन गए, कितने इलेक्ट्रॉन गए 10^12, या हम समझ सकते हैं यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गए एन गए, मान लीजिए एन इलेक्ट्रॉन चले गए, तो बी पर एन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पूछी जाए तो बताओ क्या आंसर होगा, क्यू बराबर पूछा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन आए बी पर एन, और एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू कितनी होती है वो देख लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10^-19 कूलम्ब, ये होती है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू, आपको ध्यान में रखनी है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू ये होती है। तो अब एन इलेक्ट्रॉन गए तो क्यू बराबर एन इंटू ई, सिंपल कंप्लीट चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, देखिए इसको एक न्यूमेरिकल समझ लेते हैं, ध्यान रखिए आपको ध्यान रखना है। चलो न्यूमेरिकल से छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए। देखिए स्टूडेंट किसी वस्तु पर आवेश जो होगा वो होगा प्लस माइनस 1e की, या तो 1 ही होगा या प्लस माइनस 2e होगा या प्लस माइनस 3e होगा या आगे डेरिवेटिव्स, लेकिन ध्यान रखिए ये जो क्वांटम फॉर्म में होगा आवेश किसी वस्तु पर होगा वो क्वांटम फॉर्म में होगा, ऐसे नहीं होगा कि किसी वस्तु पर आवेश या एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, जैसे कि 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, ऐसे नहीं होता, 1, 2, 3, 4 इस तरह से इंटीजर फॉर्म में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें न्यूमेरिकल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए एक वस्तु ए है और दूसरी है बी, दोनों के बीच मैंने करवा दिया घर्षण, घर्षण से इधर चले गए 10^12 इलेक्ट्रॉन चले गए, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन गए 10^12 इलेक्ट्रॉन बी पे चले गए, तो अगर आपसे पूछ ले कि बताइए क्यू पर आवेश कितना है, क्या क्यू पर आवेश कितना है, तो आप कैसे करोगे, क्यू बराबर फॉर्मूला क्या है एन ई, लेकिन किस पे पूछ रहा है बी पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब ऋणावेश आ रहा है तो उसके लिए लगा दो माइनस, अगर ए पे पूछता तो प्लस लगाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो क्यू इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है 10^12, कितनी है 10^12, ध्यान रखिए यहां पर एन को आप ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये भी समझ सकते हैं आप अगर लोकल बिल्कुल सिंपल वो में समझना हो तो देखिए 10^12 इंटू ई कितना है 1.6 × 10^-19, सॉल्व करोगे तो 1.6 × 10^-19 × 12, इसको सॉल्व आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू 1.6 × 10^-7 ये आपका आंसर यूनिट लग जाएगी गुलाम, क्योंकि चार्ज की यानी आवेश की यूनिट क्या होती है गुलाम, ये आपका आंसर सिंपल। ठीक है, कोई टफ नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आवेश का क्वांटीकरण है। आवेश का क्वांटीकरण क्या कहता है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के पूर्ण मूलज के बराबर होती है, तो ये बन गया अपना, और एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो ये होती है। अब देखिए किसी वस्तु पर आवेश होगा तो वो इस फॉर्म में होगा प्लस माइनस 1e 2e। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर प्लस तो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उस पर तो प्लस आएगा ना, तो उसके तो प्लस है, और जिस वस्तु पर जा रहा है अगर उस पर आवेश निकालना तो उसके लिए माइनस, ध्यान रख लीजिए आप, इसलिए हमने किया यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर माइनस बच जाएगा इसमें इस न्यूमेरिकल में। ठीक है, अब आते हैं आवेश का वितरण, सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण देख लेते हैं, सतत आवेश वितरण क्या होता है। देखिए छोटा सा फटाफट देख लेते हैं, सतत आवेश वितरण आप नोट करते रहिए ताकि आपके नोट्स प्रॉपर तरीके से बन जाएं। देखिए सतत आवेश वितरण का मतलब क्या है,
अगर मान लीजिए चार्ज है, कोई बॉडी है, मान लीजिए वितरण का मतलब तो समझते हो कि आवेश समान रूप से वितरित हो जाना, ठीक है, लेकिन सतत का मतलब क्या, वो समझते हैं, इस सतत टर्म को समझते हैं। देखिए मान लीजिए आवेश कोई वस्तु है, उसमें आवेश बहुत पास पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत पास पास फूट से वितरित है, तो उसे बोलते हैं सतत आवेश वितरण, ठीक है स्टूडेंट। अब सतत आवेश वितरण मेनली देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं, एक होता है रेखीय, रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण, और तीसरा जो होता है वो होता है आयतन आवेश वितरण। ये तीन तरह के आवेश वितरण होते हैं। अब देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, अगर मान लीजिए समझते पहले सबसे पहला रेखीय आवेश वितरण को देख लेते हैं। अगर आवेश किसी वस्तु पर एक विमीय या वस्तु पर रेखीय रूप से वितरित है, रेखीय रूप से या एक विमीय रूप से वितरित है, तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। देखिए यानी मान लीजिए, देखिए कोई इसके लिए हम लेते हैं मेनली को चालक, चालक पे आवेश वितरण जो होता है ना वो रेखीय आवेश होता है स्टूडेंट, चालक ये हमने लिया कोई चालक, चालक के साथ रेखीय हो गया, इस पे मान लीजिए आवेश वितरण है इस तरह से, और कितना आवेश वितरण है मान लीजिए हमने लिया क्यू आवेश वितरित है, ये चालक है और क्यू आवेश वितरित है, और मान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है एल है, तो अब बच्चों इस चालक की एकांक लंबाई में जो आवेश वितरित होगा वो होगा लेमड़ा बराबर क्यू अपॉन एल। देखिए क्या है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये क्या बन गया आपका, रेखीय आवेश घनत्व, ध्यान रखिए इंपोर्टेंट है आपके आगे आएगा ये। तो यानी कि इसकी कुल लंबाई में जितना चार्ज है वो क्या बन गया, रेखीय आवेश घनत्व। यानी क्या बोलेंगे, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, आवेश कौन है, क्या बोल दिया, रेखीय आवेश घनत्व बोल दिया। इसका मात्रक क्या हो गया, कोई क्यू का क्या हो गया कूलम सी, और इसका लंबाई का होता मीटर, ये लीजिए यानी कि कूलम अपॉन मीटर, ये लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई टफ नहीं है। देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या हो गया, अगर आवेश वस्तु पर रेखीय रूप से एक विमीय रूप से वितरित है तो उसे बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। जैसे चालक हो गया, चालक पर आवेश एक रेखा के रूप में वितरित होता है, रेखीय रूप में वितरित होता है, इसलिए इसे बोलेंगे रेखीय आवेश वितरण। अब किसी चालक की या किसी रेखीय आवेश वितरण में उसकी लंबाई में जितना आवेश उपस्थित होता है उसे को हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। मात्र क्या होगा, ये विमा क्या होती है इसकी, देख लीजिए विमा होती है क्यू की क्या होती है एटी, कूलम की जो होती है एटी होती है, मीटर को एल लेंगे तो ये ऊपर इनवर्स, ये लीजिए ये आपको ध्यान रख लेना है, जैसे भी आप इलेवंथ पढ़ के आ चुके हो तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है, ये विमा ध्यान रखना एटी है। नेक्स्ट आइए सेकंड पॉइंट, पृष्ठ आवेश वितरण। देखिए अगर आवेश किसी वस्तु पर पृष्ठीय रूप से या
अब एक विम की जगह क्या लेगा पुरुष की सत्ता द्विविमीय रूप से वितरित होता है, वितरित है तो इसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, तो इसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। जैसे कि समझ लीजिए पृष्ठ है, देखिए सरफेस कोई भी होती है, पृष्ठ कोई भी होता है, कोई भी प्लेन होता है तो टू डी में होता है, टू डायमेंशनल नहीं द्विविमीय होता है। तो इसमें मान लीजिए कि आवेश वितरण है, क्यों आवेश वितरित है, और इसका क्षेत्रफल मान लीजिए, क्षेत्रफल जो है वो ए और ये क्यों क्या है आवेश है। तो वही यहां पर क्यू अपॉन ए ये बन जाएगा सिग्मा, और इसे बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों बोले क्या होता है पृष्ठीय आवेश वितरण, और इसको किससे रेफर करते हैं अपन सिग्मा से। मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए क्यू का गुणांक सी, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो ये लीजिए मीटर स्क्वायर। विमा क्या आ जाएगी, कुछ नहीं, क्यू का तो वही 80 यानी सी का तो 80 हो गया, मीटर स्क्वायर का क्या होता है एल स्क्वायर, एल स्क्वायर पड़ जाएगा तो ये लीजिए एल माइनस टू पावर में, ठीक है ये आपका हो गया, और ये क्या हो गया पृष्ठीय आवेश वितरण हो गया। थर्ड एंड फाइनल देख लीजिए, इसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। देखिए आयतन आवेश वितरण क्या होता है, अगर किसी वस्तु पर आवेश, देखिए यहां पर क्या होता है हम लिखेंगे किसी वस्तु पर आवेश, पर अगर आवेश किसी वस्तु पर त्रिविमीय रूप से वितरित हो, तो इसे इसे बोलेंगे आयतन आवेश वितरण, बोलेंगे आयतन आवेश वितरण। देखिए अभी क्या होता है, या आपने जनरली देखा होगा ज्यादातर आयतन आवेश हमें या तो हम निकालते हैं किस पर, कोई क्यूब यानी घन पर या किसी गोले पर, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं 3D होते हैं, त्रिविमीय में होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखिए मान लीजिए ये क्यूब है, ये क्यूब है हमारा, और इस पर जो आवेश मान लीजिए क्यों वितरित है इसमें, इस तरह से आवेश कितना है, इस पर है क्यों, और आयतन कितना, आयतन हमने मान लिया क्या इसका वी है, तो वही क्या हो गया क्यों अपॉन वी, ये क्या बन गया आयतन आवेश घनत्व, और इसको हम दिखाते हैं अपन रो से, इसको बोलेंगे आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। क्यू अपॉन में क्या कहेगा, इसका मतलब क्या हो गया एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, किसको हम बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। मात्र क्या हो गया, देखिए मात्र क्या हो जाएगा, ऊपर तक क्यों है कूलम, आयतन का होता है मीटर क्यूब, तो विमा क्या हो जाएगी क्यू सी की तो 80 हो गई, और मीटर क्यूब पड़ जाएगा तो एल माइनस क्यू, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आयतन आवेश घनत्व क्या हो गया इस प्रकार, देखिए आयतन आवेश घनत्व क्या होता है एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, आयतन आवेश घनत्व क्या होता है इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए